पीवी शैले की पूरे वर्ल्ड में फेमस एक 14 लाइनों की पोयम है ऑज़िमैंडियस। आई होप आप लोगों ने इस पोयम का नाम सुना होगा। ये एक सोनेट है और आज मैं इसी को कवर करने जा रहा हूं। ये पोयम हमें एक मैसेज दे करके जाएगी, लेकिन इसे शुरू करने से पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूंगा, एक फोटो। ये है वो फोटो, इसको गौर से देखिए। देख लिया? अब हम पोयम शुरू करते हैं। इस फोटो के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो शुरू करते हैं ऑज़िमैंडियस बाय पीवी शैले। ये है हमारी सोनेट। देखिए दोस्तों, इस पोयम में मेरा एक एक शब्द काम का होगा, आप एक एक शब्द को गौर से सुनिएगा। आई मेट अ ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। मैं एक ट्रेवलर यानी मुसाफिर से मिला जो कि एक पुरानी जगह से था, पुराने देश से था। हु सैड, और उसने कहा, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट। दो बड़ी और बिना धड़ की पत्थर की टांगे रेगिस्तान में खड़ी है। जिसकी पिक्चर मैंने आपको अभी दिखाई वो कुछ ऐसी ही पिक्चर थी ना। आगे की लाइनें, नियर देम ऑन द स्टैंड, जहां वो खड़ी है उनके पास, हाफ संक आधा धसा हुआ, अ शैटर्ड विसेज लाइज, टूटा फूटा मुंह पड़ा था। यहां पे विसेज का मतलब मुंह या फिर कह लो चेहरा। तो इस पिक्चर में भी हमको ऐसा ही कुछ दिख रहा है कि इसके बगल में एक, इन टांगों के बगल में एक चेहरा, एक मुंह पड़ा हुआ है टूटा फूटा। हूज फ्रॉन, जिसके तेवर यानी कि उस मुंह के तेवर, एंड रिंकल्ड लिप, और उसके होठ जिस पर रिंकल्स यानी कि झुर्रियां आ रखी थी, एंड स्नियर ऑफ कोल्ड कमांड, और उसकी घृणा भरी दृष्टि जो एकदम कमांड्स देने वाले की हो सकती है। टेल दैट इट स्कल्प्टर वेल दोज पैशन स्टीड, मूर्तिकार जो कि स्कल्प्टर था उसने भी बड़े ही पैशन से अच्छे से उस आदमी के फेस को रीड करके अपनी इस मूर्ति में उतारा। विच येट सर्वाइव, जो मूर्ति अभी भी सर्वाइव कर रही है। स्टैम्पेड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स The hand that mocked them and the heart that fed. उस मूर्तिकार ने इस टुकड़े में, जो कि नीचे पड़ा हुआ है, इस टुकड़े में इतनी अच्छी तरह से, इतने पैशनेट तरीके से उस फेस को रीड करके उतारा था, क्योंकि जिन हाथों ने इस पुतले की नकल उतारी थी, यानी कि वो मूर्तिकार, वो भी अभी जिंदा नहीं है, लेकिन ये मूर्ति अभी तक सर्वाइव कर रही है इस रेगिस्तान में। And on the pedestal, these words appear. और उस मूर्ति के नीचे कुछ शब्द लिखे थे कि My name is Ozymandias. मेरा नाम Ozymandias है. Kings of kings, राजाओं का राजा. Look on my works. देखो मेरे कामों को जो मैंने किए. ये mighty and despair. छोटे या फिर बड़े, जो भी काम मैंने किए उन्हें देखो. Nothing beside remains. अब कुछ नहीं बचा. Round the decay. सब कुछ खत्म हो गया है, सब सड़ गया है. Of that colossal rack, boundless and bare. उस प्रकांड बड़े स्टैच्यू के आसपास अब कुछ नहीं है. The lone and level stands stretch far away. इस रेगिस्तान में दूर दूर तक वो बेचारी मूर्ति अकेली खड़ी है. तो दोस्तों, यहां पे हमें क्या मैसेज मिला कि वक्त ने किसी को भी नहीं छोड़ा. ये मूर्ति बनवाई गई होगी अपने जो माइटी काम इस राजा ने किए वो दिखाने के लिए, लेकिन अब कुछ भी नहीं है आसपास सिवाय इस मूर्ति के.